अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नए मिस्टर 360 डिग्री के तौर पर मशहूर हुए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में मुंबई के बाद विशाखापत्तनम में भी फ्लॉप रहे। खास बात यह है कि दोनों ही बार सूर्य अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इन दोनों ही मैचों में वो गोल्डन डक का शिकार हुए। मैच की पहली ही गेंद पर दोनों मुकाबलों में मिशेल स्टार्क ने सूर्य कुमार यादव को चलता किया। ऐसे में T20 में नंबर एक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। सूर्य कुमार यादव मौजूदा वक्त पर वनडे सीरीज में पहले स्थान पर हैं। श्रेयस अय्यर की चोटिल होने के चलते ही उन्हें सीरीज में रेगुलर मौके दिए जा रहे हैं। हालांकि अगर वनडे में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो वो 22 मैचों में 25.47 की औसत से 433 रन ही बना पाए हैं। उनके वनडे करियर में महज 2 अर्धशतक हैं। ऐसे में बैक टू बैक 2 मैचों में गोल्डन डक का शिकार होने के बाद फैंस के निशाने पर आना तो तय था। इस वक्त सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव की खूब खिंचाई की जा रही है। कुछ फैंस तो एबी डिविलियर्स से तुलना किए जाने पर ट्रोल कर रहे हैं, तो कई उन्हें सस्ता एबी डिविलियर्स भी बुला रहे हैं।